नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुजरात में स्थित भगवान शिव का मंदिर दिखाऊंगा, जो कि गुजरात राज्य के गिरगढ़ के घने जंगलों में। जी दोस्तों, इस पावन मंदिर का नाम है द्रोणेश्वर। इस मंदिर में भगवान शिव का दर्शन करके आपको एक अनोखा आनंद मिलेगा और साथ ही वहाँ की जो प्रकृति है वो आप देखोगे तो आपका मन एकदम शांत और प्रफुल्लित हो जाएगा, क्योंकि यह मंदिर जंगल के बीच में स्थापित है। और इस जगह पर आप घूमना या दर्शन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर अपना प्राइवेट वाहन या टैक्सी बुक करके आना होगा, क्योंकि यह मंदिर जंगल के बीच में स्थापित है, जहाँ कोई ट्रेन या फिर कोई सरकारी बस में आप मुसाफरी करके नहीं जा सकते। तो दोस्तों चलिए अब हम इस मंदिर की ओर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम जंगल के बीच में से जब इस मंदिर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर बीच में तुलसी श्याम मंदिर आता है। काफी दूर से लोग यहाँ भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी जी के दर्शन करने आते हैं। तो भाई अगर आप इस मंदिर पर आए हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट टाइप कर देना। तो चलिए मैं आपको पहले इस मंदिर की ओर ले जाता हूँ और बाद में यहाँ से हम फिर द्रोणेश्वर मंदिर के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों यह मंदिर 1000 साल पुराना है और 450 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार पूज्य श्री दूधाधारी बापू ने किया था। कंद पुराण प्रभास खंड में भगवान श्री विष्णु ने तल नाम के देवता का यहाँ पर संहार करके तल स्वामी के तलपोदक स्वामी की तरह यहाँ पर विराजमान हुए और इसी तल स्वामी का मंदिर जिसको आज हम तुलसी श्याम मंदिर कहते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में इस मंदिर की खूबसूरती दिखाई दे रही होगी, अगर आप भी यहाँ आने में इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखे। तो भाई पहले थोड़ा इस मंदिर को और घूम लेते और उसके बाद यहाँ से हम फिर द्रोणेश्वर मंदिर के लिए निकलते। तो दोस्तों वो जो पहाड़ है वहाँ उसके ठीक ऊपर माता रुक्मिणी जी का मंदिर है। तो मैं आपको वहाँ पहाड़ चढ़ के ऊपर का जो मंदिर है वो और वहाँ से जो जंगल है कैसा दिखता है वो दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ मेरे ठीक सामने जो सीढ़ी है उसके माध्यम से हम पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर माता रुक्मिणी जी का मंदिर आ गई है, तो चलो हम दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहाड़ है वो किसी ने पेंट करके बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कहीं भी नजर घुमा लो, एक मस्त और सुंदर सा जंगल ही आपको दिखाई देगा। तो है ना ये मस्त जंगल। तो मित्रों यहाँ पर हमने माता रुक्मिणी जी मंदिर के दर्शन कर लिए, और आपको ये जगह कैसी लगी कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब हम सीढ़ी से नीचे उतर के द्रोणेश्वर मंदिर की ओर जाते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर दूर है।
तो दोस्तों यहाँ पर हम नीचे उतर चुके, तो चलिए सीधे द्रोणेश्वर मंदिर की ओर। तो दोस्तों अब हम ये द्रोणेश्वर मंदिर के पास में, आप देख सकते हैं कि आजू बाजू का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर एक नदी भी है जहाँ पर हम नहा सकते हैं। तो द्रोणेश्वर मंदिर के आसपास का ये नज़ारा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये है भगवान शिव का मंदिर, तो चलिए वहाँ भी हम दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी, क्योंकि गिर के बीच में द्रोणेश्वर के पास रुसोतिया नदी के तट पर पांडवों के वनवास काल के दौरान गुरु द्रोणाचार्य द्वारा स्थापित द्रोणेश्वर महादेव पर लगातार 24 घंटे लगातार 5000 वर्षों से गंगा स्वयं महादेव को जल आहार करती आ रही है। क्योंकि पांडवों के वनवास के दौरान जंगलों में कोई शिव मंदिर नहीं था, इसलिए यहाँ एक शिव मंदिर की स्थापना गुरु द्रोणाचार्य ने शिव पूजा के लिए की थी। दोस्तों ये आप जो जल अभिषेक देख रहे हैं वो शिवलिंग के ऊपर हजारों साल से ऐसे ही हो रहा है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।